तो अब देखते हैं ऑप्शनल चैप्टर टू पॉलीनोमियल क्लास टेंथ का। भैया जो ये स्टार लगा हुआ ना, ये बड़ा बच्चों को बहुत ज़्यादा खुशी देता है। ऑप्शनल है यार, और ये मोस्टली मैं देखा हुए कि बहुत से बच्चे इग्नोर भी करते हैं एज वेल ए टीचर की सोचते हैं एग्जाम में तो आएगा ना। इसका थोड़ा जल्दी से मैं एक इंट्रो पार्ट दूँ। इसमें मोस्टली आपको क्या मिलेगा, क्यूबिक पॉलीनोमियल के बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जैसे क्यूबिक पॉलीनोमियल होता है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है जी सर। तो ये हमारे पास एक क्यूबिक पॉलीनोमियल है। अच्छा क्यूबिक पॉलीनोमियल तो इसके जीरोस कितने होंगे, तीन जीरो होंगे। तो लेट कर लिया कि अल्फा बीटा गामा इसके तीन जीरोस हैं। अगर ये जीरोस हैं इसका इसका मीनिंग क्या होगा भैया, इफ़ यू आर पुटिंग इंस्टीट ऑफ एक्स अल्फा यू ऑलवेज गेट ज़ीरो, एंड इफ़ यू पुट बीटा इंस्टीट ऑफ एक्स यू ऑलवेज गेट जीरो एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये इसके क्या हैं, जीरोस हैं। तो सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस का बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ टू अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा होता है सी अपॉन ए, और अल्फा बीटा गामा होता है माइनस का डी अपॉन ए। इनमें जो रिलेशन होता है वो होता है माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब। सिंपल सा इधर क्या होता है, कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब। सिंपल सा इधर क्या होता है, कांस्टेंट, जैसे हम लोगों ने क्वाड्रेटिक के लिए किया था सर। सिंपल सा बस वही है इस, ठीक है जी सर। तो ये रिलेशन हो गया वेरीफाई करने के लिए, अगर आ जाए कुछ भी तो इस तरीके से हम लोग वेरीफाई कर लेंगे। तो इस तरीके से ये है। और इसमें हाँ, अगर आपको तीन जीरो दे दिए गए हैं अल्फा बीटा गामा, फिर कह रहे हैं कि आपको भैया क्यूबिक पॉलीनोमियल बनाना है, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर सम ऑफ द जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ टू, ठीक है सर, माइनस अल्फा प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्यूबिक पॉलीनोमियल बना देंगे अगर हमारे पास तीनों जीरोस गिवन हैं। तो बस इतना ही है, और इसी पे बेस्ड ऑप्शन में मोस्टली क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं जल्दी से। कह रहे हैं वेरीफाई दैट नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलीनोमियल ब्रो देयर जीरोस एंड आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो। तो देखिए पहला ही ले लेते हैं, ठीक है। पहला दो ही पार्ट है, एक करूँगा मैं। तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, कह रहे टू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस, कितना जीरोज होंगे, तीन होंगे। सिंपल सी बात है, इन्होंने तीनों दिए हुए हैं। अब कह रहे हैं पहली बार पहले तो वेरीफाई करो कि ये इसके जीरोज हैं। तो सिंपल सा एक्स की जगह क्या पुट करेंगे आप, वन बाई टू। चलो जल्दी से पुट कर लो, देखो बच्चों वाली बात है ये तो यार, वन बाई टू का होल स्क्वायर माइनस फाइव इंटू वन बाई टू प्लस का टू, तो टू एट फोर फाइव बाई टू प्लस का टू एलसीएम आया एट, तो टू फोर टू जा एट टू टू फोर जा और प्लस 16 भैया जीरो आ गया, ठीक है। ऐसे ही वन पुट करके देख लेना, माइनस टू पुट करके देख लेना, कर ही लेते हैं ना। चलो वन पुट करो, तो टू प्लस वन माइनस फाइव प्लस टू जीरो आ गया भैया, माइनस टू डू योर सेल्फ, ठीक है। चलिए अब कह रहे हैं कि ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन, अभी जो लिखा था सेम उसको, सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरो मतलब अल्फा बीटा गामा ऐड करो, वन बाई टू प्लस का वन माइनस का टू इनको ऐड करो, तो एलसीएम कितना है टू, तो वन प्लस टू माइनस का फोर, तो टू और वन थ्री माइनस का वन बाई टू, सम ऑफ द जीरोस कितना है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, वो होता है कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यू, तो माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर वन और कोफिस एक्स क्यू टू, देख लो सर जी वही आ गया माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू, ठीक है। तो ये हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, कुछ नहीं है ये हम लोगों ने अभी जो मैंने बताया था इंट्रो पार्ट में थोड़ा सा, बस वही है। ऐसे ही दो दो का प्रोडक्ट करके दिखा देना, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है सर। चलिए अच्छा
थोड़ा जल्दी मैं पॉलीनोमियल को इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे लग रहा है बहुत सिंपल है, क्योंकि नाइन्थ में सब कुछ पढ़ा होगा, नाइन्थ का ही है कुछ थोड़ा, मतलब मुझे लग नहीं रहा कि बहुत एडवांस है जो मैं बहुत स्लो पढ़ाऊँ या एक एक चीज़ क्लियर करूँ। ठीक है, कह रहे फाइंड अ क्यूबिक पॉलीनोमियल। भैया क्यूबिक पॉलीनोमियल बनाना अभी बताया था कैसे बनता है, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो टेकन टू, अब इतना बड़ा सम ऑफ प्रोडक्ट एज टेकन टू माइनस प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो। ठीक है, चलिए तो एक्स क्यू माइनस सम ऑफ द जीरो दिया गया है टू स्क्वायर होगा यहाँ पे, और यहाँ पर एक्स होगा, सम ऑफ द जीरो कितना दिया गया टू एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन एज टू कितना दिया गया सर जी माइनस सेवन, और माइनस प्रोडक्ट कितना दिया गया माइनस फोर्टीन, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का प्रोडक्ट। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैंने देखा है बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, वो टू माइनस सेवन माइनस फोर्टीन अल्फा बीटा गामा ले लेते हैं। नहीं, क्वेश्चन बढ़ो यार, पहले वो पहले से ही दिया, ये सम ये जो इन्होंने टू दिया गया ना, ये अल्फा बीटा गामा तीनों का सम करके ही आपको इन्होंने ये वैल्यू, जल्दी से आंसर चेक कर लो जल्दी से, क्योंकि अगर थोड़ी सी मिस्टेक होगी तो बच्चे कॉमेंट करके हालत ख़राब कर देते हैं। सेकेंड कहाँ गया, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस डी, और हालत ख़राब करनी भी चाहिए भाई, क्योंकि गलत चीज़ वायरल ना हो जाती मिस्टेक्स, कोई नहीं। थर्ड देखते हैं, कह रहे हैं इफ़ द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल, या एक पॉलीनोमियल दे दिया गया हमको एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन आर, तीन जीरोज होंगे अंडरस्टूड है, तो एक दिया गया a माइनस बी, और एक दिया गया है a, और एक दिया गया a प्लस बी, तो कह रहे हैं a और b की वैल्यू फाइंड, ये तीन जीरोज है, आप a माइनस बी एक्स की जगह पुट करोगे जीरो मिलेगा, a पुट करोगे तो भी जीरो मिलेगा, और a प्लस बी पुट करोगे तो भी जीरो ही मिलेगा, लेकिन यार आप पुट करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो सिंपल था जो अभी फॉर्मूला पढ़ा है सम ऑफ द जीरोज वाला, सम ऑफ द जीरोज हमारा होता है माइनस का बी अपॉन ए, चलिए इसको ऐड करो सभी को, ए एक जीरो ये है, एक ये है और एक ये है, तो माइनस बी कितना माइनस थ्री, ए कितना वन, तो देखो भैया क्या हुआ, तो थ्री इक्वल्स टू थ्री, तो ए कितना आगे बना, कितना सिंपल हो गया, ए कितना आगे बना गया। अच्छा अब कह रहे, अब हम कर देते प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, प्रोडक्ट यू सी टी, और क्या होता है माइनस का डी अपॉन है, तो चलो अब इसका प्रोडक्ट क्या होगा, ए माइनस वी इंटू ए इंटू ए प्लस वी, तो माइनस डी 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 वन, ए कितना वन, ठीक है जी। अब यार बता दूँ माइनस तो माइनस, डी क्या होता है कॉन्स्टेंट, कौन सा कितना वन, ए क्या होता है ये एक्स क्यूब का कोफिशियंट, ए वही वन है, तो ए की वैल्यू कितनी वन, तो हम ए की जगह वन पुट कर सकते हैं, वन माइनस भी ए की जगह वन, अब वन प्लस वी, और ये कितना आ गया माइनस वन, तो वन माइनस वी वन प्लस वी वन स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन, ठीक है सर, ये माइनस वन इस तरफ आएगा तो वन का स्क्वायर वन प्लस वन वी इस तरफ जाएगा, कितना हो गया वी स्क्वायर, तो ये टू बराबर वी स्क्वायर, तो बी बराबर क्या होगा प्लस माइनस रूट टू, तो बी की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस रूट टू, तो ए और बी की वैल्यू निकालनी थी, ए की वैल्यू कितनी आ गई वन, और बी की वैल्यू कितनी प्लस माइनस रूट टू, जल्दी से देख लो, प्लस माइनस रूट टू, गॉट इट, ठीक है, तो ये सिंपल था। अब जो ये है क्वेश्चन फोर क्वेश्चन, वो पूरा हमारे पास एग्जांपल नाइन और 2.3 का क्वेश्चन नंबर थ्री वही है कि इसके दो जीरोस दिए गए हैं, ये एक दिया गया है हमारे पास टू प्लस रूट थ्री, और एक दिया गया टू माइनस रूट थ्री, उन्होंने इसको कंबाइन करके लिख दिया, तो बहुत से बच्चे कन्फ्यूज ना हो, अलग अलग एक ये रहा एक ये रहा, एक बार इसको रख देना x के इक्वल टू टू प्लस रूट थ्री, एक बार इसको रख देना x के इक्वल टू, फिर ये जब इस तरफ आएगा तो x माइनस टू माइनस रूट थ्री बराबर ज़ीरो, एक्स माइनस टू प्लस रूट थ्री बराबर ज़ीरो, इनका प्रोडक्ट करियो भैया, डिवाइड कर देना उसके फैक्टर कर देना, सिंपल, जो मज़ेदार क्वेश्चन वो तो फाइव है, ये तो सिंपल सिंपल है सब, ऑप्शनल भी इसकी सिंपल है, फिलहाल तो मैंने हुआ बना रखा है ऑप्शनल, फिफ्थ में आएगा मज़ा। तो ये कह रहे हैं इफ़ द पॉलीनोमियल एक्स रेस टू द पावर फोर माइनस डिवाइडेड बाई अनदर पॉलीनोमियल, दिस रिमाइंडर आता है एक्स प्लस ए, तो के और ए की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा ये है तो एकदम
सिंपल ही है, डिवाइड करना है सीधा कोई। चलिए तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का k, इसका आपने डिवाइड किया, डिवाइड करके जो रिमाइंडर आ रहा है वो x प्लस a आ रहा है। चलिए पहले तुम डिवाइड कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर कितनी बार जाएगा, एक्स स्क्वायर बार जाएगा, तो x की पावर 4। थोड़ा डिवाइड कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लेकिन है बहुत सिंपल, जैसा हम लोगों ने किया तो मैथ्स इसीलिए सिंपल है, मैथ्स क्यों सिंपल है, कंसेप्ट है, जैसा अभी तक डिवाइड किया वैसे ही डिवाइड करेंगे, डरेंगे नहीं के आ गया कि a आ गया, कुछ नहीं करना। चलो अब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2, तो कितना आएगा माइनस का 2x क्यूब, फिर k का करेंगे एक्स स्क्वायर में, तो k एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस अदो प्लस 2x क्यूब माइनस का, तो ये भैया माइनस का ना 4x क्यूब आ जाएगा। अब दो ऐड करेंगे, ये कैसे ऐड होंगे मैं साइड में करके दिखा दूँ जल्दी, 16x स्क्वायर माइनस का k एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ले लो बाहर तो कितना हो जाएगा 16 माइनस के, तो हम इसको क्या लिख सकते, क्योंकि अब ये तो माइनस का था, हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 16 माइनस के। चलिए ये हो गया, अब देखिए अब ये एक्स स्क्वायर इसमें किसका मल्टीप्लाई करें, तो इसमें करेंगे माइनस 4x का, चलो भैया करो, तो माइनस का 4x क्यूब, फिर माइनस 4x का इसके साथ होगा, तो माइनस माइनस प्लस का 8x, ठीक है सर, फिर इनका इनके साथ होगा, तो माइनस का 4kx, क्लियर है, स्क्वायर भी तो होगा यहाँ पे, ठीक है जी। तो चलिए अब माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, अब ये अब देखो ये सेम काम है, यहाँ से एक्स स्क्वायर ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा बाहर, अंदर बजेगा 16 माइनस के माइनस का 8, ऐसे यहाँ से आप एक्स ले लो बाहर सर, तो ये अंदर ये अब ये प्लस का है, तो 4k माइनस का 25 प्लस का 10, तो 16 से 8 गया तो कितना बच्चा 8 माइनस के प्लस का एक्स 4k माइनस 25 प्लस 10। अब देखो एक्स स्क्वायर है इस किसका मल्टीप्लाई, तो 8 माइनस के का ही हम लोग करेंगे तभी तो ये आएगा, तो 8 माइनस के, तो चलो करो, अच्छा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो 8 माइनस के का ही आ जाएगा, प्लस 8 माइनस के का माइनस 2x में करेंगे, तो देखो माइनस का 2x में किसका होगा 8 माइनस के का होगा, प्लस के में किसका होगा 8 माइनस के का होगा, तो माइनस प्लस और ये माइनस, अब जो ये रिमाइंडर है ना, अब तो डिवाइड होगा नहीं, अब क्योंकि अब एक्स स्क्वायर हट गया, अब क्या x आ गया, x की डिग्री कितनी 1 है, तो अब तो डिवाइड होगा नहीं, तो चलिए अब जो जो भी आएगा सॉल्व करके वही रिमाइंडर आएगा, तो मैं सॉल्व करना था थोड़ा सा लग रहा होगा कि भाई हॉच पॉच हो रहा है, तो देखो इससे इसको ऐड करके मैं यहाँ पे लोगों मैं साइड में दिखाता हूँ, कोपचे में आ जाओ, हाँ एक्स का मल्टीप्लाई करो इसमें, तो 4kx माइनस का 25x, ऐसे ही अब ये प्लस का, अब ये माइनस का 2x नहीं किसका हो गया प्लस का, प्लस का 2x का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 16x, और अब ये माइनस का है तो माइनस का 2kx। अच्छा अब देखिए 4kx माइनस का 2kx, तो 2kx हो गया, और ये माइनस का 9x हो गया, तो इसको यहाँ पे लिख दो 2kx और माइनस का 9। अब सेम काम हम यहाँ से करेंगे, ऊपर 10, अब ये माइनस का हो गया k, तो माइनस का 8k और प्लस का के स्क्वायर, तो इसको ऐसे ही लिख दो के स्क्वायर माइनस का 8k और प्लस का 10। अच्छा जी x वाले एक तरफ कर लो, तो ये यहाँ से x कॉमन ले लो, अंदर कितना 2k माइनस का 9 और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8k। अच्छा मैंने ये क्यों बोला आपसे कि x को एक तरफ लिख, क्योंकि सर ये आ गया हमारे पास रिमाइंडर, और बुक में जो दिया क्वेश्चन में कि इसका जो रिमाइंडर आ रहा है वो आ रहा है x प्लस a, मतलब x प्लस a रिमाइंडर हमने सॉल्व किया हमारा यार, तो एक ही तो बात है, ये है तो ये बराबरी, तो क्या करेंगे हम कर देंगे कंपेयर, अब क्या कर देंगे हम कर देंगे कंपेयर, तो एक्स का कोफिशिएंट इधर क्या 1, इधर कितना ये, हमने क्यों बोलते हैं एक्स को अलग ले लो, क्योंकि हम कंपेयर जब करेंगे अलग क्वेश्चन, तो ऑप्शनल थोड़े अलग है ना, तो कंपेयर करने में आप कहेंगे सर ये कैसे हम कंपेयर करें, भैया करते हैं,
तो x का कोफिशिएंट इधर 1 है, इधर कितना 2k माइनस 9, माइनस 9 इधर आएगा तो 10 हो गया, 10 बराबर 2k डिवाइड कर दिया तो k कितना आ गया, 5 आ गया, k कितना आ गया, 5 आ गया। अब एक कांस्टेंट है इधर भी, देखो ये सारा कांस्टेंट क्यों, x नहीं तो k की जगह बस वैल्यू पुट कर दो, a बराबर k है, k की जगह 525 माइनस का 40 प्लस का 10 तो a आ गया माइनस 5, ये आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, फिर पूरा शुरू से तो देख लेते हैं। सबसे पहले आंसर देखते हैं जल्दी से, आई होप इट मस्ट बी राइट, के 5 ए माइनस 5, वेरी गुड। तो चलिए देखिए, ये था कुछ नहीं था, सिंपल था, ये कह रहे हैं इसका इसमें डिवाइड किया, नॉर्मली जैसे डिवाइड करते वैसे डिवाइड किया, और कह रहे हैं कि जो इसका रिमाइंडर था वो एक्स प्लस एक इक्वल था, भैया हमने एक्स प्लस एक इक्वल रख दिया, फिर कंपेयर कर दिया, और एक और तो कोई तरीका है नहीं इसका, यही सबसे सिंपल तरीका है, ठीक है, आप कंपेयर कर सकते हैं। तो ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके ऑप्शनल भी हो गया, और मैं ऐसा कोशिश करूँगा कि सेकंड चैप्टर के जो भी बोर्ड के 20 साल में आए हुए क्वेश्चंस होंगे उनका मैं पीडीएफ बना रहा हूँ और मैं वो भी अपलोड कर दूंगा, कोई भी डाउट्स हैं, कैसे भी डाउट हैं, किसी भी बुक के डाउट हैं तो आप तुरंत कमेंट करके या इमेज सेंड कर दो किसी क्वेश्चन की, फिर जब कई सारे डाउट्स होंगे तो मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसमें सारे डाउट्स ही क्लियर कर देंगे, ठीक है। लेकिन नंबर नहीं, नॉलेज के लिए पढ़ो, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ प्रूफ पे कोशिश करो कि ये चीज़ कहाँ से आ रही, क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें, तो क्या होगा, आप डीप में जाएंगे। बहुत से लोग हैं जो डिग्री लिए घूमते रहते हैं, तो ऐसे मत बनो, भीड़ में खो जाओ, फिर अलग कुछ अलग बना। अगर सब लोग नंबर के लिए ही पढ़े होते, जितने भी मैथमेटिशियन हुए अगर वो सब नंबर के लिए ही पढ़े होते तो आज इतना मैथ्स में हम लोग कहाँ पढ़ते, तो वो कुछ अलग, तो वही आप लोगों को करना है, ठीक है, ओके।